सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज मेहमान में। आज हम आपको जिस स्थान पर लेकर के आए हैं वो ब्रज के प्रमुख स्थानों में से एक है, जिसका नाम संकेत वट है, जो कि बरसाना से लगभग नंदगांव की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर श्री राधा रमन जी का स्थित है। तो आज हम आपको श्री राधा रमन जी के दर्शन के लिए यहाँ लेकर के आए हैं, तो आइए हमारे साथ चलिए श्री राधा रमन जी के दर्शन के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य मार्ग पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मंदिर बहुत ही प्राचीन है और अंदर आपकी बात पुजारी जी से भी कराएंगे और जानेंगे इस मंदिर के विषय में, यहाँ भगवान की क्या लीला है, यहाँ क्या भगवान ने लीला की है और कितना प्राचीन ये मंदिर है। आइए हमारे साथ दर्शन कीजिए श्री राधा रमन लाल जी के। अब हम मंदिर के मुख्य प्रांगण में आ चुके हैं। आज हम आपको दिखाएंगे श्री राधा रमन लाल जी की आज कैसी सुंदर छवि बनी है, कैसे वस्त्र धारण करे हैं। आइए आप हमारे साथ दर्शन कीजिए श्री राधा रमन लाल जी के ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आइए। जय हो मेरे प्रभु की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब हम ठीक राधा रमन जी के सामने आ गए हैं। आप भी मेरे साथ दर्शन करें श्री रमन लाल जी के। आप देख पा रहे हैं कैसा मनोहारी दृश्य, कैसे सुंदर आज हमारे ठाकुर और हमारी श्री राधा रानी जी लग रही हैं। लकुट लगाई है, मुरली भी लगाई है और मोतियों की माला गले में पड़ी हुई, कितनी दिव्य लग रही है। सभी भक्त मेरे साथ भी प्रेम से श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करें ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। जय हो मेरे प्रभु की जय हो। अब हम आपको यहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में भी दिखाएंगे। काफी प्राचीन मंदिर है, ऊपर तक दिखाइए, बहुत प्राचीन बहुत सुंदर। हमारे ब्रज की यही तो एक महिमा है, यहाँ इतनी प्राचीन चीजों के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं और आप ठाकुर जी को नजदीक से जानने का सौभाग्य यहाँ प्राप्त कर पाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आइए अब हम आपको यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मण बैठे हुए हैं और उनके द्वारा इस मंदिर के विषय में जानते हैं और अपने दर्शकों को यहाँ के विषय में पूरी जानकारी पूज्य ब्राह्मण देवता से दिलवाते हैं। आइए महाराज जी। राधे श्याम। प्रभु आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ कौन से ठाकुर जी विराजमान है, क्या लीला भगवान ने यहाँ की और ये मंदिर कितना प्राचीन है, ये सब हमारे भक्तों को आप बताइए। ये मंदिर तो ठाकुर जी के टाइम पे भी था जी, जब स्वयं भगवान विराजमान थे जी, उस समय पे इनकी सेवा उद्धव जी किया करते थे, यानी कि द्वापर कालीन है ये। तो यहाँ वैसे जो यहाँ का भगवान की लीला का है जी, हमारे ब्रज में चार वृंदावन धाम बताते हैं जी, वो तो धाम वृंदावन है जी, गोवर्धन मध्य वृंदावन है जी, कामवन अद्भुत वृंदावन जी, और संकेत वन है नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन भगवान ने जितनी भी ब्रज में लीला की जी, वो संकेत वन में नंदगांव के पास नंद बैठक है जी, कुछ लोग नंदगांव के पास है इसलिए नंदगांव की समझते हैं, नंद बैठक संकेत की है जी, क्योंकि आज भी कुछ हिस्सा नंदगांव का
यहाँ बोट डालता है जी, इसलिए वो नंदगांव में जो हिस्सा है वो संकेत का है जी। तो भगवान सभी ग्वाल वालों को बुला करके वहाँ सभा करते थे जी, आज इस गांव में ये लीला करनी है। उसके अलावा भगवान का जो प्रथम मिलन हुआ था जी वो संकेत वन में हुआ था। राधा कृष्ण का जो प्रथम मिलन है वो इसी स्थान पर हुआ है, इसी स्थान पर। और यहाँ पर जो भगवान का गंधर्व यानी गुप्त विवाह हुआ था, गंधर्व विवाह, गांव में ही पल्ली तरफ जाते कृष्ण कुंड की तरफ, वहाँ पे योग माया का मंदिर है जी, और लगन चौकी है भगवान की जी, झूला है जी। भगवान का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया जी। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से बोला कि महाराज शादी तो मैं करवा दूंगा जी, मैं ब्राह्मण ब्याह पढ़ दूंगा और बाप बन के कन्यादान कर दूंगा जी, मगर इस पब्लिक को कौन संभालेगा। तो भगवान ने अपने योग से योग माया को प्रकट किया जी, योग माया ने सबकी बुद्धि भ्रमित की जी। उसके बाद में वहाँ तीन ही लोग थे जी, ब्रह्मा जी, राधा जी और कृष्ण भगवान। तो शादी हुई और चौथा कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, प्रमाण भी है जी महाराज, ग्रंथों में मिलता है, जिस ग्रंथ में है जी भगवान का विवाह का उसमें भी यही तीन का प्रमाण है। और हमारे जो गुरुदेव हैं ऊंचे गांव वाले नारायण भट्ट गोसाई बंसल जी, वो भी तीन का प्रमाण बताते हैं। और भगवान की यहाँ एक चित्रपट है उसमें भी तीन लोग हैं, ब्रह्मा जी, राधा कृष्ण, दो और पूरे विश्व के अंदर राधा रमण जी का जो मेन मंदिर जिसको बोलते हैं मुख्य मंदिर है, वो मुख्य मंदिर है, वो संकेत में पूरे विश्व के अंदर। वृंदावन में जो मंदिर है जी, अब वो कुछ भी बता मैं, वहाँ वैसे राधा रमण जी सिंगल हैं जी, और उनके संग राधा जी की गद्दी लगती है जी। जो पृथक्य का प्रमाण का जो है वो मंदिर संकेत वन का है, राधा जी के संग में भगवान ने रमण किया इसलिए इनका नाम पड़ा राधा रमण जी। इसका इनका यहाँ का ये इतिहास है। और तो जो वृंदावन में जो महाराज राधा रमन जी का जो मंदिर है वहाँ सिंगल स्वरूप में है, और यहाँ हमारी किशोरी जी के साथ में ठाकुर विराजमान है। ये अंतर आप देख पा रहे हैं, ये अंतर है मुख्य। जो वृंदावन में राधा रमन जी का जो मंदिर है वहाँ हमारे श्री ठाकुर जी वहाँ अकेले विराजमान है, और यहाँ हमारी किशोरी जी के साथ में विराजमान है। यहाँ के जो दर्शन है वो हमारी किशोरी जी के साथ में राधा रमन जी के दर्शन आपको होते हैं। और पुजारी जी हमको बता रहे हैं कि यही वो मुख्य मंदिर है जो राधा रमन जी का प्राचीनतम मंदिर है। बिल्कुल यही मंदिर है। वैसे शादी का कल्प लीला के हिसाब है जो वो वहाँ पे भी हुई थी भंडी वन में जी, मगर जो ग्रंथ का हिसाब है और जो भगवान के आठ गांव हैं जी, अष्ट सखियों के जो आठ गांव हैं इनमें और भगवान के वहाँ इतिहास जो मिलता है वो मेन संकेत का मिलता है जी। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकन को आपने बड़ी सुंदर जानकारी दी, हमारे पूरे ब्रज महिमा परिवार की तरफ से आपको बार बार धन्यवाद, राधे राधे। अब हम आपको यहाँ के मंदिर के बाहर के अन्य जगहों के दर्शन आपको कराते हैं, और आप दर्शन करने के बाद ये जान पाएंगे कि मंदिर कितना प्राचीन है। आइए हमारे साथ, कैसी सुंदर हमारे प्रिया पीतम जो की झांकी बनी हुई है। जय हो प्रभु श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारे तो वैसे तो हमारे ब्रज में कण कण में ठाकुर विराजमान हैं, और कैसे उनके दिव्य स्थान हैं। हमारे ब्रज महिमा चैनल का भी यही उद्देश्य है कि आप सब लोगों को उस तत्व का वास्तविक ज्ञान कराया जाए और वो सब चीज़ें दिखाई जाएं जो ठाकुर जी के समकालीन हैं। ऐसी भव्य लीला भगवान ने ब्रज में की, उसी के प्रतीतात्मक ये सब मंदिर इत्यादि और भगवान की जो लीला स्थल हैं उनके दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बड़ी ही सुंदर यहाँ झांकियाँ चित्रपट के माध्यम से बनाई गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ मंदिर के बगल में ही आपको बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन होते हैं। जय हो बाबा विश्वनाथ की। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दूं, हमारे ब्रज के मंदिरों में बाबा विश्वनाथ आपको ज़रूर ही मिलेंगे, क्योंकि
हमारे ठाकुर की दर्शन के लिए हमेशा लालायत रहते, इसलिए आपको ब्रज के प्रत्येक मंदिर में बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन होते हैं, पिंडी स्वरूप के भी दर्शन कराइए एक बार। यहाँ दोनों ही रूपों में बाबा विराजमान हैं, पिंडी स्वरूप में भी हैं और मूर्ति स्वरूप में भी हैं। आज आपने दर्शन किए श्री राधा रमन लाल जी के संकेतवट स्थान पर। ऐसे ही आगे भी भगवान के सुंदर लीलाओं के दिव्य स्थानों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ब्रज महिमा के साथ। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट के माध्यम से भी बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं भगवान के किसी अलौकिक दिव्य स्थान की यात्रा पर, तब तक के लिए राधे राधे।